वैसे सारे दर्शकों मेरी यानी चंद्र नागपाल की प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी खास होने जा रही है, खास करके किसान वीरां लई अते पशु पालकां दे लई एक विशेष स्टोरी लेके आए हैं। अज तुसी आम तौर पर चारे दे नाल फीड पाते हो ते ओ पशुओं नू अलग अलग फीड पा के तुसी तजर्बे कर चुके हो, पर अज जिहड़ी फीड असी लेके आए हाँ उसनू एक बार वरतोगे ते साढ़े इत्थे दावा किया जा रहा किसानों वालों भी कि बाकी फीडा पानिया भुल जाओगे। नामदारी फीड इंडस्ट्री जो कि अमलोह दे कोल एक पिंड कुल्लू माजरा दे विच स्थित है, सब तो वड्डी खासियत इन्हां दी ये है कि जिथे इन्हां कोल अपने कई ब्रांड हैगे हैं उस तो इलावा तुसी चाहो तो अपनी मैनुफैक्चरिंग करवा सकते हो। ये ज़्यादा जोर देंदे ने कि तुसी अपनी जो भी तुहाडी थ्योरी है जिस तरीके का फार्मूला तुसी चाहते हो वो कोल बैठ के बनवा सकते हो, हर चीज़ इन्हां कोल अवेलेबल है। तुसी उसका वजन ते रेट की गलबात करके वो अपनी कहानी बनवा सकते हो। सो लेके आए हाँ तुहानू नामधारी फीड इंडस्ट्री के विच ते गल करवांदे हाँ इतों के मालिक ने जो रवजोत सिंह जी जो इस समय साढ़े कोल हाजिर ने। सो आओ मिलवाइए ते जानते हैं इन्हों तो इन्हों फैक्ट्री के बारे। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। साढ़े लाइव दर्शक जो तुम देख रहे हैं उन्होंने लिए सब तो पहला तुम अपना इंट्रोडक्शन अपनी फैक्ट्री का पूरा एड्रैस वो दस दो फिर आप देखते हैं थोड़ी फैक्ट्री। मेरा नाम प्रभजोत सिंह जी, नामधारी फीड फैक्ट्री के ओनर हाँ जी। तो साड़ी नामधारी फीड फैक्ट्री में 3 साल हो चुके हैं। असी कैटल फीड के मैश पैलेट वगैरह दोनों मैनुफैक्चरिंग करते हैं। पैलेट के बहुत सारे थोड़े को ओपरचुनिटियां हो गई जिमें कि आप मिल्किंग वास्ते होगी, हीफर होगी, ट्रांजिशन होगी, काफ स्टार्टर हो गई, आप सारे मैनुफैक्चरिंग करते हैं पैलेट के। मैश भी हैगी है, काफ़ी रेंज हैगी है, पर असी ज़्यादातर कोशिश करते हैं भी पैलेट च साडा ज़्यादा ध्यान आ, क्योंकि पैलेट जो भी है डिजेस्टिबिलिटी करके ज़्यादातर साडा पैलेट वाल ज़्यादा ध्यान रहिंदा साडा। बाकी जो साड़ी क्वालिटी आ क्वाल देखो कम तो क्वालिटी ने ही करना जिदा का भी असी। एक गल मैं तुहाडी विच रोक के गल करना चाहगा कि कुछ पशु पालक होंगे ने जो मिल्किंग के उत्ते काम करते हैं, तो कुछ पशु पालक ने जोड़े वो ब्रीडिंग के उत्ते काम करते हैं, तो हमारे को किस तरह की फीड ज़्यादा वधिया है? देखो ब्रीड वास्ते तो जे असी कोशिश करिए 7700 नंबर ब्रांड आता, असी डेयरी फार्मर को ज़्यादातर यही रेकमेंड करते हैं। ज़्यादातर जे साडे कोल हो सके भी आपां क्वालिटी जे देनी होवे दिंदे, दा देखो हरेक फीड फैक्ट्री वाला क्वालिटी ही दिंदा, पर जिहड़ी साडी कोशिश रहिंदी आ भी असी नैचुरल तरीके नाल डंगर तो प्रोडक्शन दवा सकीए तां कि असी ने अगले आने वाले समय च उहदे तो नवा सूआ भी लैणा। देखो जो मक्की की क्वालिटी साडी होगी, खल की क्वालिटी, असी खल का एक्सपैलर भी अपना लगाया क्योंकि सानू खल ते अपनी ते ही यकीन आ, असी अपनी खल हरी प्रताप के नाँ ते बेचते हैं, कच्ची खल आ जी अपनी। तो बाकी कोशिश करते हैं भी जो भी हो सके वधिया तो वधिया पाया जाए साडे तो भी तां कि फार्मर नू ए आई करा च कोई दिक्कत ना आए, डंगर की ए आई समय सिर हो जाए, तो उहदे तो अलावा समय सिर सू पैन नवें दुद्ध हो जाए। देखो फार्मर नू जे नवें दुद्ध होणगे प्रोडक्शन तां ही मिलनी है। इस तरह असी कोशिश करते हैं जो प्रोडक्ट इन फीडा पैंते हैं असी कोशिश करते हैं भी वो भी वधिया तो वधिया मेनटेन लिया के रखे जाए। साडे कोल अपनी लैबोरेटरी आ, असी अपने टैसट आप उत्थे लगाने हैं। उहदे तो अलावा जो फीड के सप्लीमेंट पैंते हैं कोशिश करी दी आ भी वह भी कोई कंपनी के ही लियांदे जाण, वधिया तो वधिया कंपनी असी उरे रखी हुई ने जो भी असी अपनी फीड फैक्ट्री लिया के रखी दी ने भी फार्मर नू कोई दिक्कत ना आए। बाकी जो ब्रांड वास्ते आ वो साडा अपना सीक्रेट हुंदा, पर असी जो भी जिन्ना भी असी कोशिश कर रहे हैं भी ब्रांड जी वधिया तो वधिया रिजल्ट लियांदे जाण। सर ये तो आम तौर पर कैटल फीड की गल हैगी है, बहुत सारे सानू सूअर पालक ने होर कई तरह के पशु रखते हैं तो उन्होंने भी डिस्कस होंगी है कि असी अपनी फीड बनवाना चाहते हैं, क्या वो भी तैयार करते हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, जिहड़ा मर्जी आ कि साडे तो पिगी की भी बनवा सकता, कैटल च भी बनवा सकता, जो वह कह सक जो उन्होंने रिक्वायरमेंट आ भी असी यह समान पा के बनानी है असी उदा की फीड बनवा देंगे। ये अपने को कि फीड बनती है? एक तो पाउडर टाइप होंगी है, एक अजकल गोली वाली दानेदार फीड बनती है। देखो पैलेट चल रही है थोड़े पिछे, पैलेट भी बना देंगे आप, स्टीम च बनाते हैं अपना स्टीमर लगे स्टीम वाली बनाते हैं। तो अपनी हाँ जी ये अपनी फीड ये साढ़े ब्रांड 7700 वाली बन रही है जी। दूजी फीड का की फर्क है? देखो ये TDN वैल्यू बढ़ जाती है, डिजेस्ट जल्दी हो जाती है, स्ट्रैस से डंगर घट रहा, एनर्जी घट लगती है डंगर की एडजस्ट करने, जिनी एनर्जी घट लगेगी डंगर की कैटल के जिनी वो आप एनर्जी बचावे उन्ने वे रिजल्ट बढ़ जाएंगे। मिल्किंग ज़्यादा रिजल्ट नहीं जी, क्योंकि मिल्क ज़्यादा बढ़ता है, यहाँ पैलेट के डिजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। अभी देख रहे हैं ये पिछले थोड़े एक 666 नंबर पे जी, ये क्या चीज़? ये मैश ने जी अपने, ये दो ब्रांड 666 700 पर मैश आ गए जी।
इस तो बाद जो 770 नंबर आ ज़्यादातर मिल्किंग जो डेयरी फार्मर उन्होंने बनाया हुआ लोअर जिल्डर वास्ते 600 बनाया दो ब्रांड ही असी 600 77 66 77 अपने मैच वास्ते बनाए ने पर 77 असी ज़्यादातर रेकमेंड करते हैं डेयरी फार्मर ये अपनी 700 नंबर पैलेट बनी हुई है जी। ये आप ज़्यादातर जोड़े अपने हायर यील्डर ने जिमें 30 प्लस वाले हो जाते हैं 40 45 तक असं उन्होंने रेकमेंड ये करते हैं मशीन दिखा दो जी पैकिंग भी साड़ी ऑटोमैटिक असी करते हैं सारी जो भी असी कोशिश करीदा भी चलो अजकल समा बचाया जाए जिन्ना ही बचाया जा सकता पर एक गल कहांगे जी जिन्नी क्वालिटी सी दे सकदे आ फार्मर ते खरे उतरन दी कोशिश करते हैं भी हाँ फार्मर सैटिस्फाई रहे चीज़ तो कोई अपने फार्मूले ते बनवाना चाहता तो उहदे बारे नहीं कोई चक्कर नहीं बिल्कुल बनाने फिर अपने फार्मूले ते असीं करदे आ काफ़ी काम करते हैं। फिर सर ये पैकिंग यही देंदे हो या कोई प्लेन पैकिंग अलग पैकिंग वो उन्हां दी इच्छा जी जिहड़ा लवाना चाहण साडे वाला कहणगे साडे वाला लगा देंगे बैग उन्होंने अपना बैग लगाना अपना बैग लगा लेंदे इहदे आ तुहाडी लैबोरेटरी लैबोरेटरी हैगा ते इत्थे मैं देख रहा कि टेक्नीशियन का काम तुसी खुद कर रहे हो। हाँ जी मेरी MSc है यूनिवर्सिटी तो मैं थोड़ा न्यूट्रिशन बारे काफ़ी नॉलेज की हुई है गेन तो कोशिश करते हैं बस भी जिन्ना क साडे कोल रॉ मटीरियल आ रहा है उसकी वध-वध टेस्टिंग की जाए बाकी जिस टाइम साडे कोल टाइम नहीं हुंदा देखो मैं फील्ड वर्क भी करना हुंदा जी उहदे तो बाद फिर असीं बाहरों भी करा लैंदे टेस्टिंग बस मेन कोशिश की जाती है भी असीं जो भी रॉ मटीरियल साडे कोल आ रहा अच्छी टेस्टिंग वाला हो क्वालिटी वाला हो। सो इत्थे की प्रोसैस हुंदा देखो जी पहले नंबर से अपने को हो जाता ये आप ऑयल वगैरह देखते हैं जी भी अपने को किन्ने परसेंट किसी खल के सरों खल लै रहे हैं वो किन्ने परसेंट ऑयल आ बाकी ज़्यादातर यूज अपना फाइबर वास्ते भी हो जाता भी वो मिकसिंग किन्नी आ फाइबर कि पाया किसी ने जिम्मे आप DUC लै ली DUC के किन्ने परसेंट अगले ने फक मिक्स की हुई है वो भी कट लें ये मतलब दो परपज वास्ते काम आता आप जो फीड के प्रोटीन देखना होल्टर लगी हुई है ये आप प्रोटीन वगैरह भी देख लेंगे भी फीड के सब तो वो गल तो यह है कि तुम खुद टेक्नीशियन हो BSc की हुई है तो उस चीज़ का भी बहुत बड़ा बेनीफिट मिलेगा। बाकी जो किसी ने मिट्टी पाई होंगी है ये अपना ओवन हो गया जी ये अपना हो गया अपना फरनस हो गई ये ओवन किस परपज लिए यूज होता है वैसे जिम्मे अपने कोई भी ऑपरेटर होंगे वगैरह सुकान लिए ड्राई करने लिए वास्ते काम आता क्योंकि आप मॉइस्चर उन्होंने जीरो करना होंगे जी बाकी आप जो भी राम टीका अपना मॉइस्चर मीटर भी है आप मॉइस्चर ये भी देख लेंगे बाकी जोड़ा यह है ये अपने हरेक चीज़ को अपने ड्राई करना होंगे जी ठीक है क्योंकि जे इन ड्राई करा जी तो अपने कल रिजल्ट सही आने गए। ओके हूँ DOC वगैरह ले लिया अपने जी हम एक मिनट वास्ते कोई चाहे कि इस खल ची तेल चाहते हैं कि किन्ना है बिल्कुल बिल्कुल तो किमें टेस्ट किया जा सकता है ये आप सा प्रोसैस है जी अपना असि ये अपना देख लें जी ऑयल वगैरह किमें कटी चेक करवा सकते हैं तो बाद फरनिश आ गई जी अपनी जी ये आप जिमें हूँ टोटल ऐश कट लें जिन्हों आप कहते हैं एसड एंड ऐश हो जाती है उस की होंगे कई बार आप कोई रॉ मटीरियल लेंगे जी और अगला मिट्टी पा दिता कुछ पा दिता वो असी ये सारा कट लेंगे एसड एंड ऐश होंगी है वो भी जी एसड जो बिना को होगी जो मिट्टी वगैरह होगी असं ये कट लेंगे तो सर एक बार जोड़े ऑफिस के फार्मर्स बैठे से उन्होंने भी गल करना चाहेंगे बिल्कुल दफ्तर दे विच कुछ फार्मर्स भी बैठे ने ते नाल तुहाडे फादर साहब ने जी ते इन्हां दा शुभ नाम जी सरदार सुरेंद्र सिंह जी सत श्री अकाल जी सुरेंद्र सिंह जी साडे चैनल दे सारे दर्शकों वालों तुहाडा स्वागत है जी। सो तुसी अपने किसानों का परिचय दिवाओगे जिहड़ा कित्थों कित्थों आए हुए ने ते अज्ज किस मकसद लई आए हुए ने इन्हां नाल वी असीं गल करना चाहांगे। हाँ जी इन्हां कोल ज़्यादातर काउज रखियां हुई ने ये ने अपने वरिंदर सिंह जी रुड़की तो ये भी रुड़की तो ने धनजी सिंह रुड़की तो नहीं जी अपने अपनी मैनुफैक्चरिंग करवाते हैं कैटल फीड की ठीक है जी तो जो ये कहें आप समान पवा के इन्हों फीड तैयार करके देंगे जी रेडीमेड होंगी उस कुछ डिफरेंस बनवाते हैं जो देखो वो इन्हों की मिल्किंग डिपेंड करता जी जी भी इन्हों हायर यील्डर ने यह अपने मुताबिक उस मुताबिक फीड तैयार करवाते हैं जी। हाँ जी सत श्री अकाल भाजी की नाम है जी थोड़ा जगजीत सिंह जी जगजीत सिंह जी कितों आए उची रुड़की तो जी तो तुम इन्होंने कदों तो संपर्क छो ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੀਡ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਫੀਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। 40 ਗਊਆਂ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਪਲੱਸ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਗਊਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਗਾਵਾਂ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਬੇਰਕੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਮੁੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਪੇਮੈਂਟ ਹਫ਼ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਚੱਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਪੇਮੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਊਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗਊਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਕਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਫੀਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਫੀਡ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਜੀਨਲ 40+ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਫੀਡ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ। ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ? ਗੁਣੀਆ ਮਾਜਰੀ। ਗੁਣੀਆ ਮਾਜਰੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣੀਆ ਮਾਜਰੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਕਰਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 777-666 ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਦੋਵੇਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ? 777 ਵਧੀਆ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਫੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਉੱਚੀ ਰੁੜਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਐਚ ਐਫ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਗਊਆਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। 30 ਗਊਆਂ ਨੇ? ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੀਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫੀਡ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮਤਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲੋਂ। ਨਾਮਤਾ ਦੀ ਫੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪੇ ਨੂੰ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮਾਲ ਪੱਖੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੱਖੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਧੇ ਦੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਬੀਐਸਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਾਲ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਦੇ? ਖਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫੀੜੇ ਵਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਔਫਿਸ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 4-5 ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਫੀਡ ਬਣਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ 1 ਨੰਬਰ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨ? ਦੇਖੋ, ਬੇਜਵਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਣਮੁੱਲਾ ਧੰਨ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਜੀਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲਾ ਲਈਏ, ਜੀਰੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਟਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਟਰਗਲ ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਰੱਖੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦਿਓਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਚਾਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੰਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਉਨ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋਗੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖਪਤ ਹੈਗੀ ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਸਭ ਉਪਚ ਨੀਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
वो दुध जो पूरा नहीं होंगे तो कुछ शरारती अंसर वो नकली दुध बनाते हैं जो साढ़े बच्चों के जीवन के लिए साढ़े जीवन के लिए बहुत बड़ा खिलवाड़ होंगे। सो उस बचाव के लिए थोड़े थोड़े कोशिश करो कि जो सहयोगी धंधे ने खेती नाल रिलेटिड धंधे ने उन्हां विच शामिल हो तो वधिया नोट वड़ी अर्निंग इस तो की जा। प्रजाति चो है जी? देखो मिक्स है जी, जर्सी के नाल अच्छा क्रॉस कह सकते हैं आपां, पर जिन्ना कि भी ये 12 महीने की बच्ची है जी, ये मैं आप मेहनत नाल की मेहनत नाल तैयार की है। इस टाइम मेरी एआई मीटिंग 2 महीने हो गई जी, मतलब 12 अज 14 महीने की होगी। सो सब तो पहला तो सानू बड़ी खुशी हुई कि तुसी देसी गौं रखी हुई ने, ते दूजा नंबर गिर दे नाल जाते साहिवाल क्रॉस है जी जी, वो भी 12 महीने की उहदी एआई कराती थी, अज वो भी 14 महीने की गई हुई है। सो सब तो पहला तो असं देख रहे हैं कि इस गौ माता की वधिया ढंग दे नाल सेवा हो रही है, पंखे लगे हुए ने शैड के विच, छाएं खड़ियां ने, साफ सफाई पूरी हैगी, फोगिंग भी नाल दी नाल चल रही है। सो बहुत घट किसान ने जिहड़े इस चीज़ नूं ख्याल करते हैं, वो ये तो कहते हैं कि साड़ी इनकम घट रही है, सानूं इनकम नहीं हैगी, लेकिन वो पशुओं नूं जे ख्याल रखणगे, उन्हां दी सेवा संभाल की जाएगी, तो ही वधिया मिलकिंग आप लै सकते हैं, वधिया ब्रीड लै सकते हैं। सो जानकारियां अच्छ सानू प्राप्त हुई, ना ही सिर्फ फीड के बारे सानू गौं देख के मन खुश होया कि इन्होंने वधिया प्रजाति दियां ब्रीड तैयार कर रहे हैं, सो बड़ी खुशी होंदी है। तो दोस्तों जिन्हें भी सज्जन तुसी साड़ी इस वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ जे हुण तक तुसी चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं सबसक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ते शेयर करना, बहुत बहुत धन्यवाद जी।